यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं, खनिज और अयस्क में अंतर क्या है, इन दोनों का परिभाषा क्या है। तो चलिए हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए, खनिज का परिभाषा यह होता है कि पृथ्वी के तल पर या उसके अंदर धातुए तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। देखिए, इसे आसान भाषा में बोले तो हमारे धरती पर जिस रूप में धातुए पाया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं, उन्हें ही खनिज कहते हैं। देखिए, हमारे धरती पर जिस भी धातु का हम यूज करते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यह सब अपने मूल रूप में नहीं पाया जाता है। इनके साथ और भी कुछ धातुएं पाया जाता है, कुछ मिश्रण पाया जाता है, यह शुद्ध रूप में नहीं रहता है। ठीक, तब मान लीजिए यह लोहा हो गया ये, ठीक, और इसके साथ और भी बहुत सारा धातु हो गया, मिट्टी हो गया, सब चीज पाया जाता है। तो यह जिस रूप में पाया जाता है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को खनिज कहते हैं। ठीक, जैसे मैं देखिए यहाँ पर बॉक्साइट है, यह किसका खनिज है, तो यह एल्युमिनियम का खनिज है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है। जिंक ब्लेड है, इससे क्या निकलता है, तो जिंक ब्लेड से जस्ता निकलता है। ठीक, तो यह सब क्या है, यह सब खनिज है। अब हम समझते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस खनिज से आसानी से तथा कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे ही अयस्क कहते हैं। अयस्क का क्या परिभाषा है, तो इसका परिभाषा यह है कि जिस खनिज से आसानी से और कम खर्च में धातु प्राप्त किया जाता है उसे ही अयस्क कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है या एग्जाम में भी बार बार आता है कि क्या सभी खनिज अयस्क हैं। तो देखिए, सभी खनिज जो है ना यह अयस्क नहीं है। क्यों सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि देखिए खनिज तो कोई भी हो गया ना, जैसे कि मान लीजिए यह लोहा हो गया ये फिर, ठीक, और यह बहुत सारा खनिज से निकलेगा लोहा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर यह जो लोहा है यह तीन गो खनिज से निकल रहा है, यह एक से भी निकल रहा है, दो से भी और तीन से भी। लेकिन जिस खनिज से लोहा का निष्कासन कम खर्चा वाला हो, आसान हो, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, तो उसे ही कहेंगे अयस्क। ठीक, तो सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क ना खनिज हैं।